लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। कोरोना प्रतिबंधों और ओमिक्रॉन के खतरे के बीच आज से नवी मुंबई मनपा के स्कूल खोल शुरू हो गए हैं। तमाम सावधानियां के बीच छात्रों ने फिर शिक्षा के मंदिर में प्रवेश किया। बीते 2 साल से कोरोना के कारण पढ़ाई बाधित हो रही है। इस अवसर पर एरोली के पूर्व विधायक संदीप नाइक ने मनपा स्कूल का दौरा किया और छात्रों एवं शिक्षकों से संवाद साधा। उन्होंने शिक्षकों को छात्रों के प्रति सावधानी बरतने का भी सुझाव दिया। देखें रिपोर्ट। कोरोना प्रतिबंधों के कारण चल रहे स्कूलों की छुट्टियां आज से खत्म हो गई। आज नई मुंबई महानगर पालिका ने अपने सभी स्कूलों का ताला खोल दिया और पहली घंटी के साथ ही छात्रों ने आज स्कूलों में पढ़ाई की। इस अवसर पर पूर्व विधायक संदीप नाइक ने NMMC स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों से मुलाकात की और कोरोना प्रोटोकॉल और सावधानियों का कैसे पालन किया जा रहा है इसका जायजा लिया। जाहिर है कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को देखते हुए छात्रों की सुरक्षा जरूरी है। BJP युवा नेता संदीप नाइक ने शिक्षकों के हवाले से बताया कि कोविड से सुरक्षा के लिए मनपा द्वारा सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। वहीं मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने भी नई मुंबई के कुछ स्कूलों का दौरा किया और कोरोना प्रोटोकॉल का सही पालन कराने के लिए शिक्षकों को कई जरूरी सुझाव भी दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।